गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट। इस चैप्टर का अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेने जा रही हूँ मैं, वो है मेडिकेशन हिस्ट्री। अब मेडिकेशन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। मेडिकेशन हिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब क्या होगा, किसके बारे में होगा, पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री हम लेने वाले हैं और उसमें हम क्या क्या एस्पेक्ट्स इंक्लूड करने वाले हैं, वो हो जाएगा कंटेंट। और बाद में हम पढ़ने वाले सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मीनिंग कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत पड़ गई कि आपको मेडिकेशन हिस्ट्री लेने की जरूरत पड़ी। और आप सबको पता भी, आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो आपसे वहाँ पे नाम पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है, आपका फोन नंबर लिया जाता है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है जो वो फाइल में लिखते हैं, एंड देट विल बी प्रिजर्व एज अ मेडिकेशन हिस्ट्री। उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मेडिकेशन हिस्ट्री, उसका हम क्या देखते हैं, कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले उसमें क्या रहेगा, नाम रहेगा, सेकंड रहेगा एज, सेक्स और डेट ऑफ बर्थ। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी पेशेंट के बारे में। अगर ये चीजें हमारे पास रहती है तो पेशेंट को हमको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी, उसका नाम पता रहेगा, एज पता रहेगी, सेक्स पता रहेगा, डेट ऑफ बर्थ पता रहेगी, तो डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, ये भी जरूरी चीज है। ठीक है, वो कहाँ, कौन से एड्रेस कहाँ पर बिलोंग करता है, कहाँ पर रहता है, वो एड्रेस से हमको पता चल सकता है। और फैमिली बैकग्राउंड, उसके फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे बीपी जेनेटिक होता है कई लोगों में, डायबिटीज जेनेटिक होता है, तो ये हमको पता चल सकता है मेडिकेशन हिस्ट्री जब हम प्रिजर्व करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका अर्निंग सोर्स क्या है, अगर पुअर पीपल है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके लिए महंगे तो नहीं होंगे, उसके लिए सस्ता ऑप्शन दिलवाना जरूरी है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर जज कर सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, वो पेशेंट जो है वो प्रिस्क्राइबर को कितना फॉलो करता है, वो उसमें टेंडेंसी है क्या कि बीच में स्किप तो नहीं करता है या पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, ये भी जानकारी हमको मिल जाएगी अगर हम मेडिकेशन हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं तो। ना नेक्स्ट, हैबिट्स ऑफ पेशेंट, जैसे कि पेशेंट की हैबिट, जैसे स्मोकिंग करता है क्या, अल्कोहल लेता है क्या, ये सब चीज़ें हमको पता चल सकती है, वो भी हमारे ट्रीटमेंट का एक हेल्पफुल है, ट्रीटमेंट को पुश करने में और ठीक करने में पेशेंट को हमको मदद करने वाला है। ना बॉडी डिसऑर्डर, उसको ऑलरेडी कोई डिसीज है क्या, कोई डिसऑर्डर है क्या, जैसे कि उसको डायबिटीज है क्या अभी, या उसको बीपी का प्रॉब्लम है क्या, ये हो गया बॉडी डिसऑर्डर का पार्ट। ना थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट सॉरी, ड्रग एलर्जीज, उसको किसी तरीके की कोई एलर्जी है क्या, जैसे स्किन एलर्जी है क्या, किसी खास ड्रग के लेने के बाद उसको अर्टिकेरिया तो नहीं होता है, अस्थमेटिक अटैक तो नहीं आता है, ये एलर्जी का पार्ट होगा। ना हैबिट ऑफ ओटीसी एंड सेल्फ मेडिकेशन, पेशेंट अपने मन से मेडिकेशन करता है क्या, ओटीसी के प्रोडक्ट, ओटीसी प्रोडक्ट मतलब होता है ओवर द काउंटर, अपने मन से जाकर मेडिसिन ले रहा है, खा रहा है, दैट मीन्स ओटीसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन तो नहीं करता है, सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करता है, ये भी हमको वहाँ पर लिखकर नोट करके रखने से आसानी होने वाली है आगे हमारे ट्रीटमेंट के दौरान। ना प्रीवियस डिजीज, सो कोई डिजीज है क्या, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया डायबिटीज है क्या, डिसऑर्डर है क्या, ये हम इसमें देख सकते हैं। ना प्रीवियस मेडिसिन और ट्रीटमेंट कंजम्प, जब कभी हम एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने जाते हैं हमको वहाँ पे आराम नहीं होता तो हम फिजिशियन या डॉक्टर चेंज करते हैं, तो हमने पहले क्या ट्रीटमेंट ली थी, हमने कौन सी मेडिसिन पर रखा गया था, ये हमको वो सेकंड डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तो मेडिकेशन हिस्ट्री में इसका भी हम वहाँ पर जिक्र करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि जो हमारा करंट फिजिशियन है उसको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, कंटेंट ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, उस पर कौन सी बातें रहेंगी। आपके कंटेंट ऑफ हिस्ट्री में बस ये पॉइंट जो नाम पैरामीटर्स है, एस्पेक्ट्स है, मैंने लिस्ट किए है, वो इसी तरीके से लिखे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिजीज के बारे में, एलर्जी के बारे में, डिसऑर्डर होगा तो हैबिट्स के बारे में, ऐसे कैटेगराइजेशन करके ये 14 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ये कंटेंट का पार्ट बनता है। डेढ़ नंबर के लिए ये रहेगा और डेढ़ नंबर के लिए सिग्निफिकेंस, तीन नंबर का क्वेश्चन है, एमएसबी के एग्जाम में आता है और सेशनल क्वार्टर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना सिग्निफिकेंस देख लेते, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, क्या जरूरत पड़ती है कि मेडिकेशन हिस्ट्री देना पड़ रहा है, तो कंटेंट्स करंट एंड पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट के बारे में करंट, करंट मतलब अभी का जो उसका स्टेटस है, और उसकी पास्ट हिस्ट्री मतलब प्रीवियस उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब उसमें कंज्यूम रखेगी, अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई। ठीक है, जो कि हेल्प करने वाले ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए, डिटरमाइन एलर्जी और एडीआर और पर्टिकुलर पेशेंट, वहाँ पर ये जो मेडिकेशन हिस्ट्री इससे हमको हेल्प होती है, एडीआर मतलब एडीआर एडवर्स जो भी रिएक्शन तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कोई पर्टिकुलर एलर्जी तो नहीं है, ये पता करने में हमको मदद मिलेगी। नाउ हैबिट्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट लिखे थे उसी पॉइंट के रेफरेंस में हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करता है, ओटीसी प्रोडक्ट को तो यूज नहीं करता है, ओटीसी प्रोडक्ट मतलब ओवर द काउंटर, जैसे कि जाकर पैरासिटामॉल ले ली, जैसे कि पेन किलर ले ली ओवर द काउंटर। ठीक है, नाउ फोर, एबिलिटी टू फॉलो फिजिशियन एंड
फिजिशियन इंस्ट्रक्शन, वो फिजिशियन की इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। नाउ फिफ्थ नंबर पे मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ असेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये जो असेंशियल इन्फॉर्मेशन थी ना, नेम, एज, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, इसका भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रख सकते हैं कि हमारे पास ये तारीख को ये कौन सा पेशेंट आया था, उसके डेट ऑफ बर्थ क्या, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जो आगे कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है या कुछ जरूरत पड़ती है तो ये हमको हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। नाउ रीफिलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट, पेशेंट बराबर से 15 दिन का कोर्स खत्म करने के बाद अगर 15 दिन और एक्सटेंड करने के लिए बोला है तो एक्सटेंड करता है या नहीं, ये भी चीज़ हमको पता चलती है कि रीफिलिंग फ्रीक्वेंसी है या नहीं, मतलब कि ट्रीटमेंट पूरा लेता है या नहीं, या अपने मन से ही बाद में प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर या अपने मन से ही ओवर द काउंटर प्रोडक्ट लेकर वो अपने आप को वहीं पर ठीक करने की कोशिश खुद से कर रहा है, क्योंकि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। नाउ अबाउट डाइटरी हैबिट्स, उससे मेडिकेशन हिस्ट्री लेते समय हम डायटरी हैबिट्स में लेंगे। कई सारे पेशेंट्स और कई सारे मेडिसिन ऐसे हैं जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमको वहाँ पर परहेज रखना पड़ता है कि वो चीज़ें नहीं खानी पड़ती। मैं आपको इसके साथ ही एक एडवाइस वाला क्वेश्चन भी लेने वाली हूँ, वहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि जैसे कि टेट्रासाइक्लिन की अगर थेरेपी पे किसको रखा जा रहा है, एंटीबायोटिक है वो, तो उस समय पर मिल्क के प्रोडक्ट नहीं लेने। मिल्क हमारा क्या है, फूड का पार्ट है, ये फूड होकर डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे इंटरेक्ट हो रहा है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से मेडिकेशन हिस्ट्री लेकर पेशेंट को ट्रीटमेंट और अच्छे से कर सकते हैं, जो उन लोगों ने भी पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, करंट एंड पास्ट हो सकता है, पेशेंट का एडीआर एनर्जी पता चल सकता है, मेडिकेशन पता चल सकता है, पेशेंट फॉलो करता है, फिजिशियन की इंस्ट्रक्शन को ये पता चलता है, रिकॉर्ड के रूप में काम में आएगा ये, और फिर रिफिलिंग की फ्रिक्वेंसी, और फिर हम देखा ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन कि ड्रग और फूड का इंट्रैक्शन तो नहीं होता, ये हम वहाँ पर देखने वाले, फूड का इंट्रैक्शन अपने यहाँ पे फूड ड्रग और फूड का इंट्रैक्शन तो नहीं होता है, उसके डाइट की हैबिट से, डाइट के हैबिट से हम बता सकते हैं कि ड्रग फूड इंट्रैक्शन तो नहीं होता, तो ये हम लोगों ने देखे हैं सिग्निफिकेंस का पार्ट। नाउ अब इससे ही मिलता जुलता मैं एक टॉपिक आपको फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, वो है एडवाइसेस। एडवाइसेस का मतलब होता है, मैंने प्रोफेशनल काउंसलिंग के टाइम पे आपको बताया था कि फार्मासिस्ट एडवाइस एंड गाइड द पेशेंट अबाउट द सेल्फ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, ये मैंने आपको बताया था, तो उससे रिलेटेड ही एडवाइसेस। एडवाइसेस मतलब कि कौन सी चीज़ों के लिए वो एडवाइस करने वाला है, जैसे कि फार्मासिस्ट अपने शॉप पर है, पेशेंट आया है, सैलिसिलेट उसको दिया गया है, सैलिसिलेट मतलब सैलिसिलिक एसिड, पेन किलर का फॉर्म है, उसको बताना है, फार्मासिस्ट को बताना है कि डो नॉट टेक एम्प्टी स्टमक, उसको खाली पेट नहीं लेना है, खाली पेट लेगा तो क्या होगा, एसिडिटी हो सकती है, तो ये उसको बताना है। सिमिलरली अगर टेट्रासाइक्लिन लिया है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपसे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, टीबी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, उसको बताना है कि मिल्क नहीं लेना है इसके साथ, अगर मिल्क लिया तो ये दोनों ड्रग और मिल्क दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इफेक्ट नहीं मिलेगा, डू नॉट टेक एम्प्टी स्टमक, दोनों बातें बतानी है। थर्ड है एंटासिड टैबलेट, अगर एंटासिड टैबलेट दे रहे हैं, एग्जाम्पल उसका जेलोसिल है, जेलोसिल के टाइम पर आपको हमेशा बताना है कि ऑलवेज च्यू, उसको चबा कर खाना है, डोंट सॉलो, जैसे सिंपल हम टैबलेट लेते हैं पानी के साथ में वैसा नहीं करना है, उसको च्यू करना है, चबा कर खाना है। हाँ, हिमाटेनिक्स, हिमाटेनिक्स का मतलब होता है आयरन डिप्रेशन, देखो मैंने यहाँ लिखा है आयरन डिप्रेशन, जैसे कि फेरोसल्फेट का सिरप हो गया, फेरोसल्फेट का टैबलेट हो गया, इसके केस में बताना है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि लूज मोशन, जो मोशन है वो क्लियर नहीं होती, कब्स, ठीक है, और ब्लैक कलरेशन ऑफ स्टूल हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, वो ड्रग का साइड इफेक्ट है या एक एडवर्स साइड बाय साइड इफेक्ट है कि वो ब्लैक कर देता है स्टूल्स का, ठीक है। नाउ डिस्कोडिल, डिस्कोडिल जो ड्रग है परगेटिव के क्लास का ड्रग है, ठीक है, परगेटिव मतलब कि जो मोशंस को रिलीज कर देता है, इसको लेते वक्त बताना है कि तब तक सबसे पहले दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताने हैं, पहला तो एंटासिड के साथ में नहीं लेना है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और सेकंड बताना है कि जब वो ड्रग ले रहे हैं तो उसके आज मतलब पहले और बाद में एक घंटे का ड्यूरेशन रखना है फूड के एडमिनिस्ट्रेशन को, फूड नहीं लेना है या मील नहीं लेना है एक घंटे तक, ठीक है, तो ये दो याद रखना है एंटासिड और ये। उसके बाद है माओ इनिबिटर, माओ इनिबिटर के केस में बताना है कि अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, बनाना हो गया, ये जो चीजें हैं यहाँ पर नहीं लेनी, इसका रीजन अभी हमको फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, उसका रीजन हम बाद में डिस्कस करने वाले कि चीज बटर बनाना को क्यों मना किया गया है, पर अभी फिलहाल आपको याद रखिए कि माओ इनिबिटर्स जो है ये एंजाइटी वाले ड्रग्स होते हैं, ठीक है, एंजाइटी को जो क्योर करते हैं, कम करते हैं, और उसके केस में डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज बटर बनाना नहीं यूज करना। एक बार फिर से देख लेते हैं, एडवाइसेस स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, पहला मैंने आपको बताया सैलिसिलेट का, सैलिसिलेट में बताया डू नॉट टेक विथ क्या लिखे वहाँ पे, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक में नहीं लेना है, कुछ खाना है मील ले लेना है और फिर लेना है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन के टेस्ट में दो बताया है, एक एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, दूसरा मिल्क के साथ नहीं लेना है, अवॉइड मिल्क,
और एंटासिड के टैबलेट के केस में बताया जैसे जेलोसिल है तो ऑलवेज च्यू द टैबलेट, डोंट सॉल्व इट। आफ्टर दैट हिमेटेनिक्स, हिमेटेनिक्स का एग्जांपल मैंने आयरन प्रिपरेशन बताया है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, घबराना नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंप्लीट कोर्स करना है। डिस्कोडिल के केस में परगेटिव है वापस से, तो डो नॉट टेक विथ एंटासिड एंड उस मील के उस मेडिसिन लेने के दौरान आपको एक घंटे पहले और एक घंटे बाद कुछ नहीं खाना है, वहाँ पर एक गैप रखनी है। और फिर है मावेनी बटर, इसमें अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज बटर बनाना नहीं खाना, मैं इसका रीजन आपको बाद में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज हम लोगों ने देखा मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट के अंदर में कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, और साथ में मैंने आज पढ़ाया आपको एडवाइसेस, ठीक है। इसका बाकी का जो क्वेश्चन पॉइंट 20 एडवाइसेस है टोटल, वो हम बाद में लेने वाले हैं, तो मैंने आज 6 पढ़ा दिया, इसके आगे का टॉपिक जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू। थैंक यू।